पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम का जो रुझान आया, उसमें से तीन जो विशेष राज्य हैं हिंदी बेल्ट के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है और इससे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत उत्साह है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बिहार विधानसभा के MLC प्रेमचंद्र मिश्रा जी हैं। सर, कितना उत्साहित है आप लोग? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद आपको दे ही देता हूँ एडवांस में, बहुत बहुत मुबारकबाद। कितना उत्साहित है आप लोग इस रिजल्ट से? ये जो रुझान आया, रिजल्ट जिसको नहीं कहेंगे उससे, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने अपने देने के बाद ये कांग्रेस को भी बड़ी सफलता, आम जनता का विश्वास और समर्थन कांग्रेस के पीछे बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बड़ी हार। इन तीनों राज्यों में इन्हें अपार बहुमत था और अब तीनों राज्य से BJP बाहर जा रही है, ये कांग्रेस की बड़ी सफलता है और भविष्य में कांग्रेस की वापसी राष्ट्रीय राजनीति में हो उसकी आज नींव जल गई। BJP ने आम जनता को धोखा दिया है, कोई वायदे पूरे नहीं किए और जो झूठ की राजनीति देश में शुरू की गई, धार्मिक उन्माद की राजनीति आम जनता ने अपनी पहचान दी। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की अब वापस जाने का, सत्ता से बाहर जाने का रास्ता खुला है और जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं अब जनता का अपार समर्थन स्नेह राहुल गांधी जी के नेतृत्व को मिला है, कांग्रेस को मिला है। चूंकि मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे की स्थिति चल रही है, समाजवादी पार्टी ने ये संकेत दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके साथ जा सकते हैं। भाजपा के रामगोपाल यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो BJP के साथ नहीं जाएंगे, तो क्या अगर समर्थन की जरूरत पड़ेगी मध्य प्रदेश में तो आप समाजवादी पार्टी से समर्थन लेगी कांग्रेस? देखिए, पूरा चुनाव परिणाम आने दीजिए, हमें भरोसा है कि हम अपने अगर रिजल्ट पूरा आता है और अगर फिर 50 से कम पड़े तो निश्चित तौर पर जो बहुजन समाज पार्टी है या समाजवादी पार्टी है हम उनके समर्थन ले सकते हैं, वो हमारे सहयोगी हैं और एक हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग है सेक्टर पॉलिटिक्स को लेकर, वैचारिक स्तर पर उनके भी करीब हैं और भी एक ज़्यादा उनके भी करीब हैं, ऐसी स्थिति है कि तब उनको समर्थन। लेकिन रामगोपाल यादव जी ने कहा है कि अगर आप साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो क्लीन स्वीप करती कांग्रेस मध्य प्रदेश। देखिए, चुनाव परिणाम पूरा होने के बाद ही कोई पार्टी असेसमेंट करती है क्या चाहती होती है। आज अभी उनके 2 बजे इस बारे में बात नहीं कर सकते, स्वस्थ है कि मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार में हमें बहुमत मिलेगा, हम सरकार बनाने जा रहे हैं और अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी तो चुनाव परिणाम के पूरे आने के बाद बात करते रहेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा जी, आगे और भी कोई अपडेट आता है, जैसे ही कोई और भी नेता हमारे साथ बात करते हो तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी न्यूज़ लाइव।